हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इस फ्री क्लास में। इसमें आपको समझाएंगे कि आप कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बन सकते हैं। अभी मैंने आप सब लोगों को म्यूट किया है। आप लोग अभी कुछ बोलेंगे भी तो मुझे सुनाई नहीं देगा और मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को अनम्यूट करके आपके सवाल भी लूंगा। तो जितने भी लोगों ने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से बाहर निकालना होगा। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस फ्री क्लास में। जी हाँ, ये 100% फ्री क्लास है, फ्री कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप घर पर बैठे बैठे कैबिन क्रू बनने की, एयर होस्टेस बनने की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको जॉब मिलेगी। ये सारा कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले हैं। जैसे आज आपने ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसी और भी क्लासेस आगे आपको मिलती रहेगी। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, आप अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से रिमूव करना होगा। और अगर एक बार हम आपको रिमूव कर देते हैं तो आप दोबारा क्लास में नहीं आ पाए। सबसे पहली चीज कि कैबिन क्रू बनने के लिए हमारे को चाहिए क्या है। कैबिन क्रू बनने के लिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है। अब जैसा कि अगर आपने पहले की मेरी क्लासेस सुनी है पिछले बैच, उसके अंदर भी मैंने यही बताया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तभी आप कैबिन क्रू बनेंगे। पर हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपके कैबिन क्रू बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। बहुत सारी छोटी छोटी एयरलाइंस हैं इंडिया में और बाकी बाहर की कंट्रीज में जो हिंदी या लोकल स्पीकिंग लोगों को भी जॉब देना चाहती है। तो इन सब कंपनीज के अंदर, इन सब एयरलाइंस के अंदर जॉब बड़े आराम से जाती है। तो सबसे जरूरी चीज है कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बनने के लिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपका गेटअप, कि आप चलते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं। अब ये चीज सिखाने के लिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूट पैसे मांगे तो मेरे ख्याल से वो गलत है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कैबिन क्रू बनाने का या एयर होस्टेस बनाने का कोर्स करवाते हैं। तो उस कोर्स के अंदर करवाया क्या जाता है? मेजरली कोर्स के अंदर सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप मेकअप कैसे करेंगे या आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, जबकि ये सारा कुछ आप खुद YouTube के काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको देखकर सीख सकते हैं। इस वक्त मैं जितने भी बच्चों की शक्ल देख पा रहा हूं जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, मैं आपको देख के बोल सकता हूं कि हाँ, आप सब लोग इस लायक हैं कि आप कैबिन क्रू बने। आपकी लुक्स अच्छी हैं और आप लोग, मुझे विश्वास है अगर आप हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आप अपनी बोलने का तरीका, अपनी कम्युनिकेशन, सब कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है कि आप एक मिनट के अंदर अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से बाहर निकालना होगा और फिर आप दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि अपना चलना, बात करना और कपड़े पहनना, ये आप इंप्रूव करना शुरू करें कुछ YouTube की वीडियोस देखकर या इंटरनेट की हेल्प से। इसके अलावा हम आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर ये समझाया जाएगा कि आप के लुक्स कैसे होने चाहिए हैं या आपको बात किस ढंग से करनी चाहिए है, ये सब उसके अंदर आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा एक हमारी पूरी बुक है
केबिन क्रू ट्रेनिंग की, जिसके अंदर यह सिखाया जाता है कि आप अगर केबिन क्रू बनते हैं और एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है तो आप केबिन क्रू के रूप में एयरक्राफ्ट में बैठे लोगों को कैसे बचाएंगे। अगर आपका एयरक्राफ्ट हाईजैक हो जाता है तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे। अगर आपके एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे। अगर आप केबिन क्रू हैं और आपके एयरक्राफ्ट के अंदर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो आप उसको कैसे, उसकी जान बचाएंगे। अगर कोई गलत सामान लेकर हवाई जहाज में आ जाता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, जिनको हम डेंजरस गुड्स कहते हैं। तो ये सारा कुछ हमने हमारी एक बुक के अंदर अच्छे से समझाया है, जिसको पढ़कर आप लोग सीख सकते हैं और वो सारी चीजें इसके अंदर इंटरव्यू में पूछी जाती है, जैसे कि फोनेटिक्स हो गए। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कई इंस्टीट्यूट लाखों रुपए ले रहे हैं वो भी नहीं सिखा रहे, पर हम आपको ये सारा कुछ सिखाने वाले हैं। और इसको सिखाने के लिए मैं आपको एक हमारी ई बुक दूंगा जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जो कि मैंने ही कंपाइल की है। अगर आप उसको पढ़कर अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपका कैबिन क्रू बनने के, एयर होस्टेस बनने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ये बुक आपको मिलेगी कैसे? ये बुक मैं आपको ऑब्वियसली दिखाने वाला हूं, आप इसको देख पाएंगे। इसको देखने के बाद जब आज की क्लास आपकी खत्म हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको ये बुक आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अगली क्लास जो कि शनिवार को सेम टाइम पर होगी, इस तरह की मैं आपको क्लासेस सिर्फ सैटरडेज को देने वाला हूं क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं, उस क्लास के अंदर आप इस बुक से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उनको जरूर पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को लेके थोड़ी से एनहेंसमेंट खुद करनी स्टार्ट करनी है, जो एयरलाइन से रिलेटेड और कैबिन क्रू से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत है, जो एविएशन से रिलेटेड नॉलेज है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, वो बुक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, इनको अगर पढ़कर आप कैबिन क्रू और एयर होस्टेस की इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपके कैबिन क्रू बनने, एयर होस्टेस बनने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। जैसे कि अभी मैंने आप सब लोगों को म्यूट किया हुआ है, एक बार मैं आपको ये बुक दिखा दूं और समझा दूं तो इसके बाद मैं आपको अनम्यूट करके आपके सवाल भी लूंगा। यहां पर मैं देख सकता हूं नितिन सन, आपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हुए हैं तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, और आप दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है कभी हमारा कोर्स ज्वाइन ना करें। और भी जो बच्चे अपना, कई बच्चों को मैंने इस वक्त क्लास में से निकाल दिया है क्योंकि उनका कैमरा ऑफ था, और भी किसी का अगर कैमरा ऑफ होगा तो मैं उनको भी क्लास में से निकाल दूंगा। राइट, तो सबसे पहले हम ये बुक देख लेते हैं। ये बुक लेने के लिए आपने मेरे को क्लास के बाद व्हाट्सएप करना है और मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करा दूंगा, कोई चार्जेस नहीं। आपको इंटरव्यूज के बारे में कैसे मालूम चलेगा ये सब भी हम आपको पीरियोडिकली व्हाट्सएप के थ्रू बताते रहेंगे, और हमारे इंस्टीट्यूट से या हमारी टीम में से कभी भी कोई भी आपसे कोई चार्जेस डिमांड नहीं करेगा। तो डोंट वरी, यू वुड नॉट नीड टू पे एनीवन एनी मनी। तो ये प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है। लेट्स फर्स्ट सी कि ये बुक क्या है और इसके अंदर ऐसा क्या सिखाया गया है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर ये साफ साफ लिखा है कि ये एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टूअर्ट कह लीजिए या एयर होस्टेस कह लीजिए या कैबिन क्रू कह लीजिए या फ्लाइट क्रू कह लीजिए, ये सब वही लोग हैं जो हवाई जहाज के अंदर काम करते हैं जब पैसेंजर्स को सर्व करना होता है या उनका ध्यान रखना होता है। फ्री कोर्स है, फ्री बुक है। तो इसके अंदर आप क्या क्या सीखेंगे? इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ एयरलाइंस के बारे में मालूम चलेगा,
कैबिन क्रू वर्क टाइमिंग क्या होती है वो आपको इसके अंदर अच्छे से समझाई गई है। मैनेजमेंट वर्क, मैनेजमेंट का क्या काम करना होता है कैबिन क्रू को, वो इसके अंदर सिखाया गया है। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, क्वालिटी मेंटेन करना एयरलाइन की और अच्छी सर्विस देना, ये कैसे किया जाएगा ये भी इसके अंदर सिखाया गया है। फोनेटिक्स, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो फोनेटिक्स का यूज करते हैं, इसके अंदर आपको सिखाए गए हैं। कैबिन क्रू को मल्टीटास्किंग करनी होती है वो इसके अंदर समझाया गया है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आप थोड़ा नीचे देखें ध्यान से तो ये 109 पेजेस की बुक है और ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसको इस्तेमाल करके, इसको पढ़कर आप अच्छे से कैबिन क्रू के इंटरव्यूज दे सकते हैं और आपकी जॉब लगेगी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जॉब क्या लगना आसान है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप प्लीज इस बात को समझिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो आपको ये कोर्स करवा रहा है, पैसे लेकर करा रहा है चाहे फ्री करा रहा है, फ्री तो हमारे अलावा कोई करा ही नहीं रहा, जो कोई आपसे पैसे लेके भी करा रहा है वो भी आपको कोई जॉब की गारंटी नहीं देता। पर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इसको सीखने के बाद आपके पास जो नॉलेज होगी वो, जो लोग 2-2 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए का कैबिन क्रू का कोर्स कर रहे हैं उनसे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी। अगर आप कभी भी इंस्टीट्यूट आना चाहें, हमारा इंस्टीट्यूट नॉर्थ प्लेस न्यू दिल्ली में है, और सामने आकर कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ चीजें सीखना चाहें, तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। जब आप ये बुक कंप्लीट कर लेंगे तो आपको छोटा सा फ्री कोर्स दिया जाएगा जो कि एयर टिकटिंग का कोर्स होगा। एयर टिकटिंग अगर आप सीखते हैं तो भी आपके कैबिन क्रू बनने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ये कोर्स खत्म होने के बाद, इसकी मैं आपको जब क्लासेस खत्म करूंगा, तो आप सब लोग जो इसको रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, जो अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं और अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसको आप पूरे दुनिया में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर आप एयरपोर्ट की जॉब के लिए जाए या एयरलाइन की जॉब के लिए जाए। तो एक बार फिर मैं कुछ जो बच्चे वेटिंग रूम में हैं इनको अलाउ करूंगा, क्योंकि इनका कैमरा ऑफ था इसलिए मैंने इन्हें बंद बाहर निकाल दिया था। अगर ये लोग अब अपना कैमरा कर लेंगे तो एक बार फिर इनके पास चांस है कि ये क्लास को अटेंड कर सके। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बच्चे इस क्लासरूम में अभी आए हैं तो अपना कैमरा ऑन करें, नहीं तो अदरवाइज इस बार हम आपको वेटिंग रूम में नहीं डालेंगे, हम उल्टा आपको रिमूव भी कर देंगे, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारी कैबिन क्रू की एक्सक्लूसिव बुक है, जो कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं देने वाला, कोई भी नहीं पढ़ाता है, जिसमें रियल नॉलेज है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसको लेने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिन लोगों के चेहरे मैं देख रहा हूं इन्हीं लोगों को मैं ये बुक भेज पाऊंगा, जिनके चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं उन्हें मैं ये बुक नहीं भेज पाऊंगा। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप करें तो आपकी डिस्प्ले पिक्चर में आपकी शक्ल नजर आ रही हो तो ही आपको ये बुक मिल पाएगी, अदरवाइज आपको ये बुक नहीं मिल पाएगी। तो अब मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा, जिन लोगों ने अपना हैंड रेज किया हुआ है वो अपने सवाल पूछ पाएंगे, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है और अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके मीटिंग के अंदर ऑप्शन होती है, अगर आप मीटिंग देखें रिएक्शंस की, वहां पर जाकर आप हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आप फिजिकली अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकता हूँ रेडमी नोट 7 प्रो, जैसे यहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, अगर उस वक्त आप अपना नाम डाल देंगे तो आपका नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपका क्या नाम है। आपको मैंने अनम्यूट किया है, रेडमी नोट अपने अपना सवाल पूछ सकती हैं, जो भी आपका सवाल है पूछिए बेटा, क्या सवाल है आपका। बोलो बेटा, अपना नाम बताओ और अपना सवाल पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया कि ऐसे हमें अपने फ्री कोर्स ऐसे
दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम सृष्टि बर्णवाल है जी, बोलिए। और मैं पटना बिहार से हूँ। बिल्कुल बताइए, पटना बहुत अच्छी जगह है, मैं पटना रह चुका हूँ। जी सर, पटना बहुत अच्छी जगह है, मैं पटना रह चुका हूँ। पटना में तो काफी जॉब भी अवेलेबल है और अब तो काफी तरक्की हो गई है पटना। यस सर। क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीए ऑनर्स, बीए स्ट्रीम से। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? मैं बताता हूँ आपका क्या सवाल है। आपका सवाल ये है कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, बॉडी वेट क्या होना चाहिए, आपकी लुक्स क्या होनी चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि अगर आप सच में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आप इस वक्त अपने बॉडी वेट और अपनी हाइट के बारे में कम सोचें। इस वक्त आप नॉलेज गेन करने के लिए ज्यादा सोचें। अगर आपकी हाइट 4 feet 11 inches है तो भी आप क्रू बन सकते हैं, और अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो भी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं, अगर आपके हाथ पे कहीं टैटू है तो भी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं, आपका बॉडी वेट 80 kg है तो भी आप बन सकते हैं। बात कर रहा हूँ लड़कों का बॉडी वेट अगर 100 kg है तो भी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है, ऐसा हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्योंकि इतनी ज्यादा एयरलाइंस हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, रीजनल एयरलाइंस काफी ज्यादा हैं, इसीलिए आपके पास जॉब्स की काफी ऑप्शन है। जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उसके पास उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कैबिन क्रू बनने के। आई होप आपके सवाल का आपको जवाब मिला हो। प्रिया देवी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। Sir, my question is, if we want to book, how we can get that? How you can get the book? Yes, sir. ये मैंने 2-3 बार अभी समझा चुका हूँ अभी तक। तो book लेने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये class खत्म होने के बाद आप मेरे को WhatsApp कर लीजिएगा। Okay, sir. Simple सा अपना WhatsApp करें, मेरा नाम देवी है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे ये फ्री बुक दे दें, मैं आपको फ्री बुक्स पीडीएफ के अंदर उसी वक्त भेज दूंगा और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगली क्लास अगले शनिवार सेम टाइम 9 बजे है। उस बुक के अंदर आपको जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे अगली क्लास के अंदर पूछ सकती हैं और मैं खुशी खुशी उसके जवाब दूंगा। ओके थैंक यू सो मच सर, एक्चुअली लेटली इनसाइड आई सो पता नहीं चला सर, थैंक यू सो मच वंस। जी कुमोद, कैसी हैं आप बेटा? सबसे पहले तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं और कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को पता चला आपकी शादी हो गई है। यस सर, थैंक यू सर, बड़ी खुशी हुई मुझे जानकर कि आपकी शादी हो गई। यस सर, जनवरी में हुई है शादी। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बताओ क्या सवाल है आपका? और थैंक यू इसलिए कि आप फिर से हमारे सामने आए, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कभी भी खत्म नहीं होगा, पहले हमने बीच में बंद कर दिया था, अब हमने पैटर्न ये किया है कि इसका सिर्फ कुछ क्लासेस ही होंगी, ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, उसी के अंदर समझा दिया जाएगा और फिर बच्चों को इंटरव्यूज की डिटेल देके उस बैच को सर्टिफिकेट देके खत्म किया जाएगा और फिर नए बच्चों को ऐड किया जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि एग्जाम होने वाली है इस बार? नहीं, एग्जाम नहीं होने वाला, अब हमने एग्जाम को रिमूव कर दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम दे ही नहीं पाते थे। कई लोग जो देते थे वो पढ़ाई नहीं करते थे तो उनके मार्क्स नहीं आते थे और उनको बड़ा बुरा लगता था कि हमारे मार्क्स नहीं आए हैं। तो हमने मार्क्स इसमें से एग्जाम को हटा दिया, आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अच्छा। और आप सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इंटरव्यू की ऑप्शन भी मिलेगी, सब कुछ होगा। अच्छा ठीक, तो आई थिंक इसके अलावा और किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज की क्लास मैं यहीं पर ही कंक्लूड करूंगा। बाकी आप सब लोग उस बुक को जरूर पढ़िएगा और
जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। हाँ जी, गुरप्रीत ने अपना हैंड रेज किया है, लेट मी गिव हिम अ चांस। हाँ जी गुरप्रीत, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप बोल सकते हैं आपका क्या सवाल है। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार गुरप्रीत सर, मैं पूछ रहा, मैं ना एयर टिकटिंग पे कोर्स के बारे में पूछना चाहता था। ठीक है, मैंने आपका सवाल समझ लिया। अब आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एयर टिकटिंग एक अलग कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स भी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए आप लाइव क्लास में आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप कर दें कि मैं आपको एयर टिकटिंग की फ्री क्लासेस दे दूं, तो मैं आपको एयर टिकटिंग की फ्री क्लासेस दे दूं, ठीक है। बाकी रही बात कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, अगर आप एयर टिकटिंग भी साथ में सीखेंगे, तो आप इस बात को समझिए, जब आप एयरलाइन इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वहां पर 10 लोगों को वो लोग सिलेक्ट करते हैं लास्ट राउंड के लिए, उस 10 में से सिर्फ 9 लोगों को क्या कहते हैं, सिर्फ कैबिन क्रू के बारे में मालूम है, पर एक इंसान ऐसा है जिसको एयर टिकटिंग भी आती है। जिनके पास एयर टिकट है वही तो हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं। तो अगर आपके पास एयर टिकटिंग की नॉलेज है और आप कैबिन क्रू की इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको बड़े आराम से जॉब मिल जाती है। और दूसरा फायदा यह है कि एयर टिकटिंग एक ऐसी डिवीजन है, कोई भी अगर एयर टिकटिंग को प्रैक्टिकली सीखता है, चाहे हमसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहा हो, तो जॉब्स बहुत ज्यादा है। कैबिन क्रू के अंदर डिसएडवांटेज ये होती है कि जॉब्स कम होती हैं और अप्लाई करने वाले ज्यादा होते हैं, और एयर टिकटिंग एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर जॉब्स ज्यादा हैं और अप्लाई करने वाले कम। एयर टिकटिंग के अंदर भी आपकी सैलरी आराम से 20,000-25,000 हो जाती है। तो एक हमारा छोटा सा एयर टिकटिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके लिए आपको लाइव क्लासेस भी अटेंड नहीं करनी होंगी, सिर्फ मेरी क्लासेस को आपको देखना होगा। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा, जिसके अंदर 4 क्लासेस हैं। इसको करने के बाद आप अपने आसपास कोई भी अगर ट्रैवल कंपनी है वहां पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी कि आप कम से कम अपने शहर में इंटरव्यूज की जानकारी रखें। अगर आप इंटरव्यू देंगे तो जरूर आपको नौकरी लगेगी, आपके पास जॉब ऑफर आती है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए एयर टिकटिंग का, वो सर्टिफिकेट आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट में हैं, अगर आपने सच में हमारा कोर्स किया है, फ्री कोर्स किया है तब भी। तो जैसे कि आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो आज की क्लास में यहीं पर ही खत्म करूंगा। जिनको भी बुक चाहिए है कैबिन क्रू की, फ्लाइट क्रू कहिए या एयर होस्टेस की, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, बुक भेज दूंगा। हाँ जी उदय तिवारी, मैंने आपका हाथ देख लिया है और आप शुरू से ही क्लास के अंदर हैं, बताइए उदय क्या सवाल है आपका। अपने आपको अनम्यूट कीजिए, यहां से मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी उदय बोलिए। सर आई एम उदय तिवारी फ्रॉम यूपी। यूपी में कहा सर? ऐसे यूपी 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 में कौन सा शहर बेटा? सर लखनऊ स्टेट सर जी, लखनऊ में सर, हरदोई डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है, लखनऊ तो बहुत बढ़िया जगह है। बताओ क्या सवाल सर? सर मेरा ये क्वेश्चन था सर कि कैबिन क्रू का प्रोसीजर क्या है? कैबिन क्रू का प्रोसीजर क्या है, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, कोई भी एयरलाइन जो कैबिन क्रू रखना चाहती है, वो सिंपली एक अपनी साइट के ऊपर कई बार या फिर इंस्टीट्यूट्स को इन्फॉर्म करती हैं, ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करती हैं कि उनको कुछ कैबिन क्रू की जरूरत है, और वहां पर 400-500 लोग पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लाखों रुपए लेके तैयारी कराते हैं, तो ये बच्चे भी वहां पर पहुंचते हैं और आप लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। इनों में फर्क क्या होगा? उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई होगी, आप लोगों ने अपने हिसाब से कपड़े पहने होंगे, लड़कियों ने हील्स पहनी हुई होगी जो आपके पास जरूर होंगी। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप लड़की हैं तो आप हील्स खरीदें, उसको पहनकर प्रैक्टिस करें चलने की। ज्यादातर लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं अगर आप कैबिन क्रू,
तो आपको स्कर्ट पहनने की आदत होनी चाहिए है, शर्ट पहनने की आदत होनी चाहिए है, और सटल मेकअप, किस तरह का मेकअप और किस तरह की ड्रेसिंग है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लुक्स और पर्सनैलिटी, चलना उठना बैठना है। जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा कि आप थोड़ा सा इंटरनेट देख के भी सीख सकते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन देख के भी जरूर सीखेंगे। इसके अलावा आप जब भी बोलें, जो भी बोलें, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा का पूरा आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़े मैं आपको इंग्लिश में भी उसी ढंग से पढ़ा सकता हूं। इररिस्पेक्टिव ऑफ इन व्हिचएवर लैंग्वेज आई एम टीचिंग यू, आई वुड स्पीक इन सच अ वे दैट यू वुड लाइक टू लिसन टू इट एंड यू अंडरस्टैंड दैट। तो आप जिस भी भाषा में बोलें, अगर आप केरला में हैं, आप केरला की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो केरला की रीजनल एयरलाइन आपको नौकरी देने के लिए तैयार है। और आप जितने भी बच्चों को इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ, आप सब इतने सुंदर बच्चे हैं, खासतौर पे उदय तिवारी, आपको यू आर लुकिंग अ वेरी हैंडसम बॉय। तो आप लोग अपनी पर्सनैलिटी तो आप लोगों की अच्छी है ही, नॉलेज लेकर जाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये जो नॉलेज हमारी बुक में आपको मिलने वाली है, ये किसी के पास नहीं होने वाली, ये आपके पास होगी। ये नॉलेज आप रिफ्लेक्ट करें जब आप इंटरव्यू में जाएं, तो उन्हें बताएं कि आप एक ऐसे कैबिन क्रू बन सकते हैं कि अगर पैसेंजर को हार्ट अटैक आ जाए तो आप उसकी जान बचा पाएंगे। अगर एयरक्राफ्ट के अंदर कोई टेररिस्ट आ जाए, हाईजैक की सिचुएशन आ जाए, इमरजेंसी लैंडिंग की सिचुएशन आ जाए, तो ये सब कुछ आपको पहले से मालूम है और आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो यूजली एयरलाइन सिर्फ 12th के बेसिस पर और ग्रेजुएशन के बेसिस पर, जी हाँ, 12th के बेसिस पर भी कैबिन क्रू की जॉब अवेलेबल है। आप के बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं कि क्या आप ट्रेनेबल हैं, कि आपको ट्रेन किया जा सकता है। अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज पहले से है तो आपके नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो आज की क्लास में यहीं पर ही कंक्लूड करूंगा और आप सब लोगों से मैं सलाह यही दूंगा कि पढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, नौकरी जरूर लगेगी और आप लोग सक्सेसफुल भी जरूर होंगे।